फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थवर्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थमा। तो जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के बाहरी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तथा उसके उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो हो गया जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाटोमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करते हैं तथा एनाटोमी के अंतर्गत हम लोग किसी भी जीव के शरीर के आंतरिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग अर्थवर्म के बाहरी स्ट्रक्चर को अर्थात उसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म के शेप एंड साइज के बारे में देखते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है ये इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बैकबोन जो होता है वह एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा, ये बाइसिमेट्रिकल होता है, यानी कि ये बाइसिमेट्रिकल है, यानी कि इसके बॉडी को अगर टीएस किया जाए, काटा जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि इसमें जो जर्म लेयर होते हैं वह जर्म लेयर तीन होते हैं, यानी कि एक तीनों तीन जर्म लेयर होते हैं, एक पाला हो गया एक्टोडर्म, दूसरा हो गया मीजोडर्म और तीसरा हो गया इंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर जो है सो इसमें मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद इनका जो बॉडी होता है वह बॉडी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है सो सिलेंड्रिकल होता है। उसके बाद ये सिलोमेटिक होते हैं, सिलोमेटिक होते हैं। सिलोमेटिक का मतलब ये हो गया कि इसमें बॉडी कैविटी जो होता है वह प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो एक मैच्योर अर्थवर्म की जो लंबाई होती है वह लगभग जो है वह 150 मिलीमीटर होता है। तो इसका जो लेंथ हो गया वह 150 mm हो गया। एक मैच्योर अर्थवर्म की लंबाई जो है 150 मिलीमीटर होती है। उसके बाद इसका विड्थ जो होता है, इसका विड्थ जो होता है वह 3 से 5 मिलीमीटर होता है, 3 to 5 mm। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें बाहर से तो ये सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंड्रिकल जब होता है तो इसका जो अगला सिरा होता है यानी कि एंटेरियर पार्ट, यानी कि जो फ्रंट पार्ट, फ्रंट यानी कि आगे का जो भाग होता है जिधर माउथ रहता है, तो वह जगह जैसा कि हमने बताया कि ये सिगमेंटेड होता है। तो पहला जो सिगमेंट में पहले खंड में का जो भाग जिसमें माउथ रहता है वो जो भाग होता है वह फ्रंट पार्ट कहलाता है। तो फ्रंट पार्ट जो होता है वह पॉइंटेड होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है वह पॉइंटेड होता है। उसके बाद उसके पीछे का जो भाग जो पोस्टेरियर पार्ट होता है, यानी कि पोस्टेरियर पार्ट जो हो गया यानी कि पीछे का, बिहाइंड आप कह सकते हैं या पोस्टेरियर कह सकते हैं, पोस्टेरियर पार्ट वह जो है ब्लंट होता है और थिक होता है, ब्लंट कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है आगे नुकीला रहता है और पीछे थोड़ा सा मोटा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वेल अडेप्टेड ब्यूरोइंग होता है।
वेल एडेप्टेड ब्यूरो का मतलब ये हो गया कि आसानी से ये अपने शरीर को बिल के अंदर प्रवेश करा सकता है, यानी कि उसको बिल के अंदर प्रवेश करने में इसके बॉडी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि हम अर्थवर्म के कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वह ग्लिस्टेनिंग डीप ब्राउन, यानी कि चमकीले गहरे भूरे रंग का, या आप इसको मिट्टी के रंग का भी कह सकते हैं। तो इसका जो गहरा जो है सो चमकीले भूरे रंग का जो इसका रंग होता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि इसके बॉडी वाल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट का नाम है पोरफायरिन। इसी पोरफायरिन पिगमेंट के कारण इसका रंग जो है सो गहरा भूरा रंग का होता है। तो इसके शरीर का डोर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट का रंग एक जैसा नहीं होता है, बल्कि डोर्सल पार्ट का जो रंग होता है वह गहरा गहरा होता है, डीप कलर होता है। जैसे कि आप देखो, ये जो है सो एक अर्थवर्म है, तो इस अर्थवर्म का जो ऊपर का पार्ट होगा इस ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग डोर्सल पार्ट कहते हैं। जो जैसे कि केचुआ अगर जमीन पे चल रहा है तो जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वह जो है सो डोर्सल पार्ट हो गया। तो डोर्सल पार्ट का जो रंग होता है वह काफी गहरा रंग होता है, जबकि नीचे का जिसमें जेनाइटल पोर्स होते हैं तो वह जो है सो वेंट्रल पार्ट हो गया, तो ये जो है सो थोड़ा हल्का लाइट कलर का होता है। तो इस तरह से हम लोग, और उसके अलावा डोर्सल पार्ट को पहचानने का एक और तरीका है कि इसके ठीक बीचों बीच एक जो है सो लाइनिंग रहती है, इसके बीचों बीच एक लाइनिंग रहती है जिसको हम लोग जो है सो मिड डोर्सल लाइन कहते हैं, मिड डोर्सल लाइन। तो इस मिड डोर्सल लाइन के द्वारा भी हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा इसका डोर्सल पार्ट है और कौन सा वेंट्रल पार्ट है। उसके अलावा इसका काम क्या है, तो ये जो है पोरफायरिन पिगमेंट जो होता है जिसके कारण जो है सो इसके शरीर का रंग जो है सो काफी डीप चमकीले ब्राउन कलर का होता है, तो ये सन के तेज लाइट से, यानी कि या जो है सो तेज रोशनी से इसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म का जो बॉडी होता है वह सिगमेंटेड होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इसका जो बॉडी होता है वह काफी जो है सो सॉफ्ट होता है, काफी कोमल होता है, और इसके पूरे बॉडी में जो ये छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं उनकी जो संख्या अगर देखी जाए तो वह लगभग 100 से 120 तक पाई जाती है, यानी 100 टू 120 सेगमेंट्स इंक्लूडिंग इन देयर बॉडी। तो उसके शरीर में लगभग जो है सो 100 से 120 जो है सो छोटे छोटे खंड आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सो मेटामेयर्स कहलाते हैं या सोमाइट्स कहलाते हैं। मेटामेयर्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी सिगमेंट होते हैं, जितने भी खंड होते हैं, वह सभी एक जैसा होता है, पूरा एक समान दिखेगा आपको। ये नहीं कि एक सिगमेंट दूसरे सिगमेंट से डिफरेंस दिखेंगे, सो नहीं है। तो एक समान दिखने के कारण इसको जो है मेटामेयर्स कहा जाता है। तो अब हम अर्थवर्म के हेड का स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो है हेड जो इसका जो पाया जाता है वह फर्स्ट सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा, यानी ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये फर्स्ट सेगमेंट में आपको ये इसका हेड माउथ जो है सो आपको हेड दिखाई देगा। तो ये हेड जो होता है इसमें जनरली हम लोग जो हेड देखते हैं उसमें टेंटिकल्स होते हैं, आइज होते हैं, सेंस ऑर्गन्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं, लेकिन अर्थवर्म में ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसमें लैक होता है आइज की, टेंटिकल्स की, इन सब चीज़ों की कमी होती है। इसमें आपको सिर्फ एक जो है सो माउथ दिखाई देगा। ये माउथ जो होता है ये हाफ मून की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसके माउथ के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, स्टोमियम का मतलब हो गया माउथ। जो माउथ के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम। उसके बाद इसमें आगे की तरफ जो है सो एक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है माउथ के आगे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ये प्रोस्टोमियम, प्रो का मतलब थोड़ा सा प्रोड्यूस किया हुआ आगे की तरफ,
तो ये जो स्टोमियम यानी माउथ, तो ये एक थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोजेक्ट रहता है, इसको हम लोग जो है सो प्रोस्टोमियम कहते हैं। इसकी सहायता से ये जो है सो मिट्टी को काटना, भोजन ग्रहण करना, ये सब जो है सो सब काम जो है सो बिल बनाने में ये सब जो है सो इसको हेल्प मिलता है। तो अब हम लोग क्लाइटेलम की अगर बात करें तो अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम होता है ये 14, 15 एंड 16 इन तीनों सेगमेंट में पाया जाता है। 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट में क्लाइटेलम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें 14, 15 एंड 16 ये जो है सो क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम जो है यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यहाँ पर ये जो है सो ग्लैंडुलर होता है और ये इसमें 14, 15 और 16 जैसे कि अगर हम 1 से बात करते हैं ये 14 हो गया, तो 14 को जो है ये 14 यानी कि जो पहले वाला है तो 14 को हम लोग बोलते हैं 14 को प्री क्लाइटेलर है ना। उसके बाद 15 को हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलर और 16 को हम लोग बोलते हैं पोस्ट क्लाइटेलर। तो 14 यानी प्री का मतलब पहले वाला, क्लाइटेलर के जस्ट पहले वाला क्लाइटेलर को प्री क्लाइटेलर बोलेंगे, 15 हो गया क्लाइटेलर और 16 हो गया पोस्ट क्लाइटेलर। तो इस तरह से ये तीनों जो है सो क्लाइटेलियम के अंतर्गत आता है। ये ग्लैंडुलर होता है और उसके बाद इसका काम क्या है, ये जो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है होते हैं और इसमें इसका मुख्य काम है कोकून को फॉर्मेशन करना, यानी कि यह जो है सो क्या करता है, कोकून को बनाता है, कोकून फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर में क्या होते हैं, इसके अंदर में एक पाए जाते हैं है ना, इसके अंदर एक पाया जाता है, एक इनसाइड रहता है इसके अंदर। और इसी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वह इसी के अंदर जो है सो क्लाइटेलम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब यदि हम इसके सीटे की बात करें तो सीटे के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म जो है वह सीटे के द्वारा ही यह लोकोमोशन करता है, यह लोकोमोशन करने में इसको हेल्प करता है सीटे, तो इसके द्वारा यह लोकोमोशन करता है। तो सीटे जो होता है उसके पूरे शरीर पे पाया जाता है, सिर्फ जो है सो ये पहला यानी कि फर्स्ट सेगमेंट जो होता है और उसके बाद क्लाइटेलम यानी कि 14, 15 एंड 16 और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो सबसे लास्ट जो पोस्टेरियर होता है, इस सेगमेंट को छोड़कर बाकी पूरे सेगमेंट में आपको सीटे देखने को मिलेगा। तो ये जो सीटे होता है ये एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है जिसे हम लोग काइटिन बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह जो है सो काइटिन के द्वारा रहता है। तो प्रत्येक सेगमेंट में लगभग 80 से 120 सीटे जो है सो मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। उसके अलावा इसका जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है वह पीले रंग का, हल्का पीले रंग का जो है सो सीटे का कलर होता है और इसके द्वारा जो है सो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थवर्म के में जो अपर्चर्स होते हैं, अपर्चर्स का मतलब होता है छिद्र, जो इनके शरीर में पोर्स पाए जाते हैं, वह पोर्स कहाँ कहाँ पर किस किस सेगमेंट में पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या काम है, इसके यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है सो पहला सेगमेंट जो वन है, इसमें एक अपर्चर होता है, वह अपर्चर होता है माउथ। ये माउथ जो होता है हाफ मून की तरह होता है, अर्धचंद्राकार होता है, जो पेरिस्टोमियम के द्वारा ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। और जो दूसरा
इसके बाद अगर ये तो हो गया पाला छिद, पाला पैचर्स हो गया, पाला पोर्ट्स यहाँ पर माउथ में आपको देखने को मिला। दूसरा जो है ये 5, 6, 7, 8, 9 ये जो सेगमेंट है तो ये जो है सो स्पर्मेटिकल पोर्ट्स कहलाता है। तो स्पर्मेटिकल पोर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि दो जो सेगमेंट होते हैं, दो सेगमेंट, तो इस दोनों सेगमेंट का जो बाउंड्री है जहां पर ये दोनों लग रहा है कि दोनों यहां से एक दूसरे से अटैच है, इसी जो है सो बाउंड्री पर जहां पर ये दोनों अटैच होते हैं यहीं पर जो है सो ये पोर्ट्स पाए जाते हैं। तो यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये चार पेयर बन जाते हैं, यानी कि 5, 6 ये दोनों मिलकर इसके साथ आ गए, 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 ये चार पेयर जो होते हैं स्पर्मेटिकल पोर्ट्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्पर्म को स्टोर किया, इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को स्टोर करना, स्टोर स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के कपलेशन के ड्यूरिंग वह काम आता है। उसके बाद 14 सेगमेंट में जो 14वां सेगमेंट है इसमें जो है सो फीमेल जेनाइटल पोर्ट्स कहलाता है। ये जो है सो ये आपको जो है सो क्लाइटेलम रीजन के अंतर्गत आता है। तो 14th जो 14वां सेगमेंट है इसमें भी एक पोर्ट्स पाए जाते हैं जो फीमेल जेनाइटल पोर्ट्स कहलाता है। और उसके बाद 18th सेगमेंट, 18वां सेगमेंट जो होता है इसमें आपको मेल जेनाइटल पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 14 में फीमेल जेनाइटल और 18 में मेल जेनाइटल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें फीमेल और मेल दोनों जेनाइटल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्स होता है सबसे लास्ट में, ये जो है सो एनस कहलाता है। ये लास्ट सेगमेंट में एक कट के जैसा रहता है, ये लगता है कि इसके लास्ट में कट हो गया, एक चीरा लगा हुआ है, तो ये जो है सो एनस कहलाता है। इसके द्वारा ये क्या करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रेटा के रूप में होता है, उसको ये अपने शरीर से यहाँ से बाहर निकालता है। इसी एक्सक्रेटा को हम लोग ओर्म कास्टिंग बोलते हैं। तो ये इसके शरीर में पाए जाने वाले अपर्चर्स हैं। तो अब हम लोग अर्थवर्म के जेनाइटल पैपली के बारे में देखते हैं। ये जो जेनाइटल पैपली है ये टू पेयर में पाए जाते हैं, दो जोड़े में पाए जाते हैं। ये जो पहला पेयर जो होता है वह 17th सेगमेंट में पाया जाता है, 17वें सेगमेंट में ये आपको देखने को मिलेंगे। और सेकंड पेयर जो है वह 19th यानी कि 19वें सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सो गर्थ होता है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है और ये चिपचिपा होता है। और ड्यूरिंग कपलेशन के समय यह एक सुकर की तरह रोल करता है। तो ये रहा अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी। मेनी मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।